हाय गाइस, वेलकम टू नाइशास किचन। सो आज हम बनाने जा रहे हैं नान और कढ़ाई पनीर। मेरी इस वीडियो में आप देखेंगे नान की रेसिपी और कढ़ाई पनीर की रेसिपी आप देखेंगे मेरी अगली वीडियो में। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है इसलिए मैंने इसे दो वीडियोस में बनाया है। सो गाइस, आज हम तवे पे बनाएंगे नान, बिना तंदूर के, बिना ओवन के, बहुत ईजी तरीके से बनाने वाले हैं एंड आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिए यहाँ पे आधा केजी मैदा। अब मैं डाल रही हूँ इसमें नमक स्वाद अनुसार, साथ ही इसमें अब डालेंगे घी या तेल 2 टेबलस्पून। अब हम इसमें डाल रहे हैं चीनी 1 टीस्पून, साथ ही इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून और बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून। अगर आपके पास बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पे इनो का यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1 टीस्पून इनो ऐड करना है। सो अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। यहाँ मैंने 1/2 कप दही यूज किया है। सो अब अच्छे से हम सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेते हैं। इस तरीके से आप सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से आटे में मिक्स कर लीजिए और फिर ल्यूक वार्म वाटर यानी कि हल्का गर्म पानी लेके हम इसे आटे को गूंथेंगे। और एक बहुत ही सॉफ्ट सा डो हमें तैयार करना है। यहाँ मैंने हल्का गर्म पानी यूज किया है डो लगाने के लिए। सो ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी आपने ऐड करना है और बहुत ही सॉफ्ट सा आटा तैयार करना है। सो गाइज, अब आपको जब भी मन करे नान खाने का तो आपको रेस्टोरेंट से मंगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ना बाहर जाने की जरूरत है। आप कभी भी घर पे बना के खा सकते हैं। सो अब हमने अपनी मैदा गूंथ ली है। अब हमें हाथों पे थोड़ा सा घी या तेल लगाना है और फिर मैदा को अच्छे से गूंथना है। अब हमारी मैदा अच्छे से तैयार हो गई है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। इससे हमारी मैदा अच्छे से फूल जाएगी और हमारे नान जो है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। सो चलिए अब देखते हैं, हमारी मैदा बिल्कुल तैयार हो गई है, बहुत सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसे हल्का सा और गूंथ लेते हैं, थोड़ी सॉफ्ट कर लेते हैं। तो चलिए नान बनाना शुरू करते हैं। अब लेते हैं हम मैदा, उसकी इस तरीके से हमने बॉल बना लेनी है और फिर सूखी मैदा लगा के हम इसे बेलेंगे। आप चाहें तो कोई भी शेप की बना सकते हैं, राउंड या ओवल, जैसे आपको पसंद हो, लेकिन बेसिकली मोस्टली नान होती है ओवल शेप की, तो मैं भी यहाँ पे कुछ इसी तरीके से बना रही हूँ। सो गाइज, आप चाहें तो सिंपल नान भी बना सकते हैं, आप चाहें तो गार्लिक नान भी बना सकते हैं। अगर आपको गार्लिक नान पसंद है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा लहसुन कद्दूकस करके और उसको स्प्रिंकल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे धनिया का यूज़ कर रही हूँ, मैंने बारीक कटा धनिया रखा हुआ है। अब मैं इसे डाल देती हूँ, थोड़ा स्प्रिंकल कर देती हूँ इस पे और अभी इसे इस तरीके से बेलन के दबाव से अच्छे से बेल देते हैं जिससे कि धनिया इस पे चिपक जाए। अब पलट लेते हैं हमारी नान को और इस पे लगाते हैं हम पानी। आप चाहें तो ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ मैं हाथ से लगा रही हूँ क्योंकि हमें पानी अच्छी क्वांटिटी में लगाना है, हमें नान को तवे पे अच्छे से चिपकाना है। तो चलिए तवा गर्म हो गया है, अब डाल देते हैं हमारी नान को। जिस तरफ से हमने पानी लगाया था उस तरफ से हम डालेंगे नान को तवे पे। सो जब आप देखेंगे थोड़े से बबल्स आ गए हमारी नान पे ऊपर, तो हम इसे ऐसे उतार के तवे से और हल्के हल्के धीमी आंच पे हम इसे सेकेंगे। यहाँ हम रोटी की तरह नहीं सेकेंगे इसको, एकदम से हमें इसको गैस पे नहीं रख देना है। देखिए इस तरीके से आपको हल्का हल्का इसको सेकना है। तो गाइस, बहुत ही इजी तरीका है बनाने का, आप इसको एक बार जरूर ट्राई करके देखना। आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आने वाली है रेसिपी। सो देखिए कितनी अच्छे से हमारी नान सिक गई है। तो अब आप चाहें इस पे घी, बटर, जो आपको पसंद हो उस पे लगाएं और आपकी नान तैयार है। सो गाइस, यहाँ मैंने कुछ सिंपल नान भी बनाई है जो कि बच्चों को बहुत पसंद होती है। सो आप चाहें तो इसे कढ़ाई पनीर के साथ, शाही पनीर के साथ या दाल मखनी के साथ किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई पनीर के साथ इसको सर्व किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ इसे शेयर करना। सो
मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।